हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए पिछले क्लास में हमने आपको द्विघात समीकरण हल करने की दो विधियां बताई थी। एक बताई थी गुणनखंड विधि के द्वारा और एक बताया था पूर्ण वर्ग बनाना। आज हम इसकी तीसरी विधि श्री धाराचार सूत्र के द्वारा ये श्री धाराचार सूत्र। देखिए इस सूत्र के द्वारा कोई भी द्विघात समीकरण इसके फैक्टर आपसे न हो रहे तो श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हम उसको हल कर सकते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, देखिए समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है तो ये किसके रूप में है, x के। मतलब यहाँ जो मूल ज्ञात करना हो किसका ज्ञात करना है, x का। तो श्रीधराचार्य सूत्र बना x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट हो जाता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू, ऐसा ये श्री धाराचार्य सूत्र। मान लीजिए यहाँ पर ये वाई के रूप में होता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ ये श्री लेके वाई होता है, ठीक है ना। ये श्री धाराचार्य सूत्र है जिसके द्वारा हम अब ज्ञान करेंगे इस सूत्र के द्वारा हम सवालों को कैसे हल करें। देखिए हम एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। जैसे सवाल आ गया आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आया कि x स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार ये द्विघात समीकरण बराबर जीरो को सूत्र द्वारा मूल ज्ञात कीजिए, ऐसा आ गया। अब जब सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करना तो पहले देखिए जो समीकरण उसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार बराबर, सबसे पहला तरीका होता है इसमें ए बी सी के मान ज्ञात करना। तो देखिए हमने बताया था ए बी सी के मान कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर के बगल में संख्या लिखी हुई वो ए हो, जैसे यहाँ x स्क्वायर है इसके बगल में कोई संख्या नहीं लिखी तो ए मान लिया है, यहाँ पे एक का मान हो गया ए। इसी तरह यहाँ x के बगल में चार लिखा है तो b का मान हो गया चार और ये c का मान भी आपका चार, a b c के मान हमने निकाले। x स्क्वायर के बगल की संख्या a होगी, a का मान एक हो गया, x के बगल की संख्या b होगी, b का मान चार हो गया, c का मान चार हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू, ऐसे हो जाएगा ये सूत्र, ठीक है ना। अब इसमें ये सारे मान रखे जाएंगे, ए बी सी के जो भी मान है उनको रखना है। एक्स बराबर माइनस बी का मान हो गया चार, तो माइनस चार प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे चार का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए का मान एक सी का मान चार, और करके क्या हो जाएगा टू है दो गुणे एक आ जाएगा। एक्स बराबर माइनस चार प्लस माइनस चार को सोलह माइनस चार को सोलह बटे ये लिखा। अगर इसको हम हल करेंगे तो माइनस चार प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बटे दो आ, क्योंकि सोलह में सोलह निकाल दोगे जीरो आ। अब इसके आगे देखिए कैसे हल करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर आ गया आपको जीरो का वर्गमूल जीरो आ गया, क्या जाएगा एक्स बराबर माइनस चार और इसका वर्गमूल जीरो, तो ये हो जाएगा आपका बटे दो, ऐसे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस चार बटे दो, इसको हल करेंगे तो एक्स बराबर, ये देखिए इसका जो मूल आ गया माइनस दो। अब यहाँ देखिए अगर माइनस दो आएगा इसके दोनों मूल जो होंगे माइनस दो और माइनस दो, ठीक है ना, पहला मूल माइनस दो होगा दूसरा मूल भी जो होगा वो माइनस दो होगा। तो इस तरह से हम जो है द्विघात समीकरण में हम श्री धाराचार्य सूत्र के द्वारा हम सवालों को हल कर सकते हैं। कभी कभी इसमें श्री धाराचार्य सूत्र न लिख के सिर्फ आ जाता है कि सूत्र के द्वारा होता है, तो उसका मतलब ये वही होता है इसे हमें श्री धाराचार सूत्र के द्वारा सवालों को हल करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण के हल करने की तीनों विधियां आपको मालूम होंगी कि हम गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल कर सकते हैं, और अंततः सूत्र के द्वारा हम उसको कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बताएंगे। तीनों विधियां आपके यहाँ से पूर्ण होंगे। अब देखिए इसमें कुछ सवाल जो है होमवर्क में हम दे रहे हैं, इस
सवालों को तीनों विधियों के द्वारा करवाना, ठीक है ना। देखो हमारे को दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल को तीनों विधियों पर हल करें। ये देखिए ये जो भी द्विघात समीकरण दिए गए इनको तीनों विधियों के द्वारा हल करना। देखिए पहला सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 169 बराबर, इसको तीनों विधियों के द्वारा हल करना है, ठीक है ना। दूसरा जो है यहाँ पर सवाल है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0, इसको भी तीनों विधियों के द्वारा हल करना है, ठीक है ना। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसको भी तीनों विधियों के द्वारा आपको हल करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 26x और चौथा सवाल जो है यहाँ पर ये है जैसे आपके एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर, ठीक है ना। देखिए सवाल में ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू नहीं है तो वहां जो b की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। और पांचवा सवाल जो है आपका वो है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बराबर। ये देखिए आपके पांच सवाल हो गए, ये पांचों सवाल को आपको इसी तीनों विधियों के द्वारा, इसमें तीनों विधियों के द्वारा हल करना, ठीक है ना। ये तीनों विधियों के द्वारा आपको सवालों को हल करना है और हल सभी सवालों को हल करें और इनको हल करके ला, ठीक है।